और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। सबसे पहले वो जानिए, भारतीय वायुसेना का विमान C-17 काबुल से अब रवाना हो चुका है। 130 से अधिक लोगों को लेकर C-17 विमान काबुल से उड़ान भर चुका है। ये विमान ईरान के एयर स्पेस होते हुए दोपहर तक देश पहुंच जाएगा। तो लगातार भारतीय लोग जो अफगानिस्तान में फंसे हैं उन्हें निकालने की जद्दोजहद में सरकार। 130 से ज्यादा लोग इस वक्त विमान में सवार हैं। आपको बता दें विमान है C-17। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जिन लोगों को लेकर आ रहा है ये विमान? देखिए, इसके अंदर मुख्य तौर पर भारतीय दूतावास के कर्मचारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि भारतीय राजदूत से लेकर मिलिट्री अटैचे तक सभी वरिष्ठ अधिकारी उस समय तक वहां फंसे हुए थे। और सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी लोगों को काबुल के एयरपोर्ट तक लाने की, क्योंकि अफरा तफरी की स्थिति थी पूरे काबुल के एयरपोर्ट पे। लेकिन बीती रात US ट्रूप्स के रिप्लेनिशमेंट के बाद, उनके संभालने के बाद, अब वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू हुए और उसके बाद एक एक कर फ्लाइट्स ने टेक ऑफ करना शुरू किया। इस दौरान जो है भारत के जितने भी लोग थे, जो लोग वापस आना चाहते हैं, तो 130 से ज्यादा इनकी संख्या है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये विमान दोपहर तक भारत में लैंड करेगा। और इस विमान के लिए काफी मुश्किल आ रही थी, कल ये शाम को पहुंचा था काबुल में, लेकिन वहां से टेक ऑफ नहीं हो पाया रात को। और आज सुबह जो है अब से करीब करीब 20 मिनट पहले इस विमान ने टेक ऑफ किया है और ये ईरान के एयर स्पेस से होते हुए ये भारत पहुंचेगा। प्रणय, मैं ये भी जानकारी चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीरें अब तक सामने आती रही, हम देख रहे थे US एयरफोर्स का जो विमान वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंचा था अपने लोगों के लिए, उसमें किस तरीके से लोग लैंडिंग गियर पर सवार हो गए थे, ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई खबर कि रेस्क्यू के दौरान कोई परेशानी सामने आई हो? जी नहीं, इस तरीके की कोई खबर नहीं है, क्योंकि देर रात को जो US ट्रूप्स पहुंचे वहां पर, करीब 3,500 से ज्यादा सैनिकों को वहां पहुंचाया है US ने, और उसके बाद एयरपोर्ट के ऑपरेशन को जो है रिज्यूम किया गया है, ताकि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, क्योंकि सिविल एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन अभी भी बंद है, टारमैक पे लोग हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की जो मिलिट्री साइड है, जो सैन्य एयर स्ट्रिप है, उससे विमानों का ऑपरेशन शुरू किया गया है। और साथ ही ये भी किया गया है कि टर्न अराउंड टाइम कम किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट कम से कम समय में ऑपरेट हो सके, और इसलिए वहां पर लोगों की आवाजाही को रोका गया है। मिलिट्री साइट के अंदर लोग नहीं जा सकते हैं। जी प्रणय, तो इंडियन एम्बेसी इस वक्त वहां पर है, क्योंकि लगातार वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कितने और लोग वहां इस वक्त फंसे हैं जिन्हें भारत वापस आना है? देखिए, अभी जो मैक्सिमम लोग जो आना चाहते थे उन्हें लेकर ये विमान वहां से उड़ान भरी है। इसके बाद अगर कोई संभावना बनती है तो संभव है कि एक आध इवैक्यूएशन ऑपरेशन और वहां संचालित किया जा सके, लेकिन एम्बेसी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस विमान में हैं, और इसके अलावा जो अन्य साजो सामान है वो भी लाया गया है। और निश्चित रूप से जो बहुत सारे लोग आना चाह रहे थे, जो भारतीय वहां फंसे हुए थे, क्योंकि कुछ, यानी प्रणय, सिर्फ एक छोटी सी जानकारी, यानी दूतावास में अभी भी काम करने की कोशिश की जा रही है, आप कह रहे हैं, चूंकि इसको चलाने की कोशिश हो रही है, या फिर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है? जी देखिए, दूतावास अभी भारत ने बंद नहीं किया है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। ये बात जरूर है कि ऑपरेशन कुछ स्केल डाउन किया गया है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो वहां से जरूर निकले हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है रिड्यूस जरूर हुआ है, लेकिन भारत ने अपना दूतावास फिलहाल बंद नहीं किया है वहां पर। और कॉन्सुलेट भी जो है, जो भारत ने वो मजार शरीफ का हो, कंधार का हो, वो पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। इंडियन फ्लैग अभी भी वहां पर है, इसलिए इसे एम्बेसी ऑपरेशन को बंद करना नहीं कहा जा सकता। ये बात जरूर है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आए हैं, क्योंकि सुरक्षा की चिंताएं हैं। भारत सरकार की तरफ से जो कल बयान जारी किया गया था, उसमें भी स्पष्ट किया गया था कि अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात स्थिति से बिगड़े हैं। जी जी प्रणय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए। तो C-17 ने उड़ान भर ली है और 130 भारतीय जल्द देश वापस लौट आएंगे। ABP News आपको रखे आगे।